अरे शीला, तुमने मेरे घर के पीछे कचरा क्यों डाला? कचरा कचरा गाड़ी में नहीं डाल सकती क्या? क्यों गंदगी फैलाती हो? अरे सुनो सुनो, क्यों बहस कर रही हो? कचरा सिर्फ कचरा गाड़ी में ही डालना काफी नहीं है, बल्कि उसे अलग अलग बांट कर कचरा गाड़ी या डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों डालें? कचरा तो कचरा होता है। देखो, पॉलिथीन, कीले, कांच के टुकड़े अगर खाने की चीजों के साथ फेंकोगे तो कहीं ना कहीं उसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है, और मरे हुए जानवर से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ जन्म लेती हैं। हाँ हाँ, आप सही कह रही हो दीदी, पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या, और इसे कैसे सही जगह पहुँचाएं? इसके लिए आप घर में दो डस्टबिन रखिए, एक डस्टबिन में गीला कचरा और दूसरे डस्टबिन में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियाँ, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। यह गीला कचरा या तो कूड़ेदान या कचरा गाड़ी में ही फेंके, या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमलों में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतलें, थर्माकोल, लोहा तार, कीले, बिजली के खराब उपकरण, पॉलिथिन और न्यूज़पेपर आदि को फेंकने के बजाय आप कबाड़ वाले को भी बेच सकते हैं। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन्स में ही रखेंगे।